स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस में। और हम लोग शुरू करने जाए दोस्तों एक और नया सेशन यहाँ पे करंट अफेयर का। और करंट अफेयर की जो क्लास है आपको पता ही है, सी ठीक आपके डेली सुबह 8:30 पे शुरू हो जाती है। तो 8:30 पे जो भी आज की दोस्तों ताजा खबरें हैं उनको यहाँ पे सुनने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे ज्वाइन होना मत भूला कीजिए सफलता क्लासेस पर। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो सफलता क्लासेस के द्वारा दोस्तों यहाँ पे बैच चलाया जा रहा है आपका हरियाणा पुलिस के लिए। तो अगर आपकी उम्र है 18 वर्ष और आप 12वीं पास कर चुके हैं तो यहाँ पे दोस्तों ये सरकारी नौकरी लेने का सबसे अच्छा आपके पास मौका है। क्योंकि ये जो आपका 200 कोर्स है ये केवल आपको 1999 मिल रहा है। और अगर इसमें बात की जाए दोस्तों तो अगर आप इसमें मेरा कोड लगाओगे यानी कि शशांक टेन के नाम से अगर आप यहाँ पे कोड लगा दोगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों 10% की यानी पूरे 100 रुपए की छूट भी मिल जाएगी। और वहीं अगर दोस्तों इसके अलावा बात करें तो अगर आप तैयारी कर रहे हो IBACIO की या फिर कोई भी आपकी जान पहचान में तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर एक फ्री मॉक टेस्ट की यहाँ पे पूरी तैयारी कर दी गई है जो कि आपके लिए ऑल इंडिया लेवल पे आपका जारी किया जाएगा। ऑल इंडिया लेवल का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपके 10,000 बच्चे बैठेंगे तो उनमें आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी, आपको अपनी तैयारी का यहाँ पे लेवल पता चलेगा। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो IBACIO की तो फ्री मॉक टेस्ट देने का दोस्तों बहुत अच्छा मौका है। केवल आपको इतना करना है कि आपको यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के सफलता ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें जाकर के जो IB का सेक्शन होगा दोस्तों उसके मॉक टेस्ट को यहाँ पे आपको करना है। बस इतना छोटा सा दोस्तों काम करना है। और चलिए अभी आज की बात करें अगर दोस्तों तो आज का ये है आपका न्यूज़पेपर द हिंदू। और द हिंदू की अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे न्यूज के बारे में बात करें तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या न्यूज और खबरें आपके लिए आई है। हाँ जी अवधेश जी गुड मॉर्निंग, अनुज गुड मॉर्निंग, निकिता वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप जरा देखिए आज की ताजा खबरों में क्या क्या बताया गया था। सबसे पहली खबर थी दोस्तों यहाँ पे कि अभी भी 171 लोग मिसिंग हैं हिमालयन ट्रेजडी में जो कि आपकी हुई थी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में आपको पता है जैसा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में वहां पे आपका दोस्तों एक ग्लेशियर आपका जो है वो आपका यहाँ पे ढह गया था या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि लैंड बस्ट हो गया था। तो उसकी वजह से अभी तक दोस्तों यहाँ पर 26 लोगों की मौत हो गई है और 171 लोग अभी भी आपके यहाँ पर लापता है। और इसके अलावा दोस्तों क्या क्या खबरें थी ये हम लोग अभी नेक्स्ट न्यूज में जानेंगे। अगली खबर है दोस्तों यहाँ पे आपकी सेंटर से जुड़ी हुई, जो आपका दिल्ली में यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। तो दिल्ली का आंदोलन अब यहाँ पे आपका यूपी और उत्तराखंड से तो वापस खींच लिया गया है, लेकिन अभी भी आपके जो पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली में ही रुके हुए हैं, लगातार धरना किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग इसका अराउंड 80 दिन हो चुके हैं आपके जो आपका यहाँ पे हो रहा है आंदोलन। तो इसमें मोदी जी ने एक बात कही है कि यहाँ पर बजाय आंदोलन करने की अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा समझदारी होगी। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो अगर MSP हम लागू भी कर रहे हैं तो एक बार कम से कम मौका दीजिए। और साथ ही साथ में दोस्तों उन्होंने बहुत समझदारी वाली बात कही है कि अगर जो भी बुजुर्ग यहाँ पे अगर किसान है तो उनको आप वापस घर भेज दीजिए, क्योंकि ऐसी यहाँ पे सर्दी में हो सकता है कहीं उनको कोई नुकसान ना हो जाए। और वहीं अगर दोस्तों बात करें अगली खबर के बारे में तो यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है आपकी न्यू लेबर कोड के बारे में। न्यू लेबर कोड का दोस्तों मतलब है कि अब आपके जो वर्किंग डे है वो आपके केवल हफ्ते में 4 दिन बनाए जाएंगे। 4 दिन आपको केवल काम करना होगा, बाकी 3 दिन मस्ती कीजिए। ये दोस्तों लेबर लॉ कहता है, कोई कंपनी नहीं कहती है। इसमें दोस्तों एक बात और कही गई है कि इसके अंतर्गत यहां पर आपको अगर काम करना है तो आपके लिए केवल 10 से 12 घंटे की जो शिफ्ट होगी वही तय की जाएगी, इससे ज्यादा आपसे काम नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका न्यू लेबर लॉ जिसे अभी हाल ही में आपका पास करने की बात कही गई है लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। हाँ जी विदिशा जी गुड मॉर्निंग, मनीष गुड मॉर्निंग, अंकित अनुज वेरी गुड मॉर्निंग। ओके चलिए तो शुरू किया जाए दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम लोग लेंगे जो हम लोगों ने कल जितने भी MCQ सॉल्व किए थे, क्या आपको याद है? अगर याद है तो जरा यहाँ पे दिमाग पे जोर डालिएगा और मेरे जो क्वेश्चन है उनका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल है आपके लिए, यहाँ पे आपका जो स्विच दिल्ली मिशन था, इस स्विच दिल्ली मिशन को यहाँ पे आपका किस व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था? 4 ऑप्शन से दोस्तों आपके सामने कल भी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, अरविंद केजरीवाल या फिर नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे स्विच दिल्ली मिशन आपका शुरू किया गया था अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और इसके अलावा अगर दोस्तों हम लोग बात करें अगले यहां पर अपने क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों यहां पे कि किस कंपनी के द्वारा यहां पर आपका पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल आपका शुरू किया गया या उसको प्राप्त किया गया। तो पहला कार्बन न्यूट्रल का दोस्तों मतलब होता है एक बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब जो कि आपका नेचुरल तरीके से प्राप्त किया जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा शून्य हो। तो इसमें दोस्तों यहां पे बाजी मारी थी आपके आपके धीरूभाई अंबानी के यहां पे कंपनी जिसका नाम है रिलायंस के द्वारा। और वहीं अगर बात करें दोस्तों अब जरा अगले सवाल के बारे में देखते हैं। हाँ जी शाबाश अनुज लकी साज, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है चलिए अब अगला देखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे कि किस राज्य के द्वारा पहला ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया गया था? पहला ह्यूमन मिल्क बैंक जिसके माध्यम से दोस्तों जो आपके यहाँ पे बीमार बच्चे होते हैं उनको भी माँ का दूध मिल सके, वो भी बिल्कुल साफ सुथरा। तो इसकी दोस्तों यहाँ पे शुरुआत इन 4 ऑप्शन किसमें की गई थी? उड़ीसा, केरल, जम्मू होगा या फिर पंजाब होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा केरला। तो केरला सरकार के द्वारा दोस्तों पहला यहाँ पे ह्यूमन मिल्क बैंक शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश के द्वारा अभी हाल ही में 73वां आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था 4 फरवरी को। तो 73वां इंडिपेंडेंस डे दोस्तों इन चार ऑप्शन में से किसने मनाया था, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान या फिर नेपाल। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों इन ऑप्शंस के बारे में तो यहाँ पे आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका, जिसे हम लोग पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी तानिया अंकित सबका बिल्कुल सही जा रहा है, वेरी गुड। चलिए अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि मोस्ट यंग वुमेन पायलट ऑफ इंडिया कौन बनी है, यानी कि सबसे कम उम्र में यहाँ पे वुमेन पायलट आपकी भारत की किसको यहाँ पे माना गया है। चार ऑप्शन है दोस्तों, प्रतिमा पाटिल, शिवांगी जोशी, आयशा अजीज या फिर रमैया पटेल। तो दोस्तों अगर बात करें इन चार ऑप्शंस की तो यहाँ पे ये जो फोटो में है इनका नाम है दोस्तों यहाँ पे आयशा अजीज। तो यहाँ पे खुद से चेक करते रहिएगा कि आपके जो सवाल है वो सही हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसके अलावा, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लोन था 16 लाख फार्मर्स का उनको यहाँ पे समाप्त करने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा 16 लाख फार्मर जो आपके एग्रीकल्चर लोन था उसको माफ किया गया है। चार ऑप्शन से दोस्तों आपके सामने, केरल, तमिलनाडु, पंजाब होगा या फिर गुजरात होगा। ये काफी थोड़ा सा आपको यहाँ पे हार्ड भी लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों राइट ऑप्शन की तो राइट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें अगले सवाल के बारे में तो आपसे पूछा गया था वॉलीबॉल टीम के बारे में, अगर ध्यान आ गया हो तो ये सवाल ये था दोस्तों कि वॉलीबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों तो वॉलीबॉल खिलाड़ी मैंने आपको इस चित्र की मदद देने की भी कहा था। तो अगर दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पे राइट ऑप्शन की तो राइट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा कि कुल आपके यहाँ पे 6 खिलाड़ी होते हैं किसी भी वॉलीबॉल टीम में। अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉरी अब यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज था। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग मोटिवेशन से शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का नया सेशन। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें आज के इस सेशन के बारे में तो ये है आपकी मोटिवेशन ऑफ द डे। इसमें दोस्तों बड़ी ही अच्छी लाइन कही गई, जरा पहले ध्यान से सुनिएगा, उड़ने में बुराई नहीं है आप भी उड़े। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी अच्छी लाइन है, उड़ने में बुराई नहीं आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कभी अपने दिमागों में जो ख्याल होते हैं ना, हमारे विचार होते हैं जिनको हम लोग थॉट्स कहते हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि थॉट्स तो हमारे आसमान में होते हैं, ठीक है ना, और लेकिन जो हमारे कर्म होते हैं वो बिल्कुल ही जमीन पे होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हम लोग जो है अगर एक पन्ना पढ़ लेते हैं तुरंत सोच लेते हैं सरकारी नौकरी मेरी, या फिर इसके अलावा अगर हमने घर में एक काम भी कर लिया, मतलब अगर हमने यहाँ पर मम्मी की या पापा की थोड़ी मदद भी करा दी, तो अब हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा जो है यहाँ पर कोई महात्मा है नहीं, जबकि हकीकत दोस्तों दूसरी होती है। यहाँ पे जब तक अगर आप आसमान जैसा कर्म नहीं करेंगे और ख्याल अगर आपके यहाँ पे जमीन पे नहीं होंगे, तब तक आप जिंदगी में आप कभी भी आप सफल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो अगर सफल होना है तो कर्म को ऊपर बढ़ाओ और ख्यालों को थोड़ा नीचे करो, तभी दोस्तों यहाँ पे आपके लिए सफलता के द्वार भी खुलेंगे, भगवान भी आपकी मदद करेगा और आप भी इस दुनिया में अपना नाम रोशन करके जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे आज का टॉप करंट अफेयर ऑफ द डे। तो देखते हैं दोस्तों आज क्या है आपके यहाँ पे टॉप करंट अफेयर ऑफ द डे, जो अलग अलग न्यूज़पेपर में पूछी गई थी। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों पहली न्यूज के बारे में, तो लद्दाख में पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका शुरू किया गया है। और क्या क्या यहाँ पे लद्दाख से जुड़ी हुई दोस्तों खबरें हैं इसके बारे में भी जानेंगे। चमोली ट्रेजेडी जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे द हिंदू के पेपर में, कि यहाँ पे एक ग्लेशियर ब्रीच हुआ है दोस्तों जिसके माध्यम से वहां पर फ्लड यानी कि बाढ़ आ गई है। तो इस दोस्तों बाढ़ से क्या क्या नुकसान हुए, ये जो फ्लड है दोस्तों इसको यहाँ पर किस प्रकार से रोका जा सकता था इसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे 16 डिजिट यूनिकोड, ये खास तौर पर दोस्तों इसलिए आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस तरीके का इनिशिएटिव लेने वाला उत्तर प्रदेश आपका इकलौता राज्य माना जाएगा। और इसके द्वारा दोस्तों जो लैंड होल्डिंग होती थी, लैंड होल्डिंग का मतलब ये होता है जो एग्रीकल्चर भूमि पट्टा होता है उसको यहाँ पे बिल्कुल ही उनकी आइडेंटिटी उसका एक नाम देने के लिए ये 16 डिजिट यूनिकोड का आपको शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो काफी इनोवेटिव स्कीम है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों यहाँ पे चाइना से जुड़ी हुई, चाइना का एक स्पेस प्रोब है तियान वेन। तो तियान वेन के द्वारा यहाँ पे जो रेड प्लैनेट है, रेड प्लैनेट का दोस्तों यहाँ पे मतलब है जो मार्स है, इसको हिंदी में हम लोग मंगल ज्ञान के नाम से, मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो मंगल ग्रह के लिए आपका चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था उसका नाम है तियान वेन। तो तियान वेन जो है दोस्तों अब ये मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुका है और उसने वहां जाकर के अपनी पहली इमेज को यहाँ पे भेजा है। और क्या क्या दोस्तों इसके अलावा न्यूज है हमारी चाइना से संबंधित उसको सुनेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे FSSAI के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ट्रांस फैट को यहाँ पे लिमिट करने की बात कही जा रही है। तो क्यों आखिरकार ये ट्रांस फैट आपका यहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, और इसके अलावा और किसी देश ने भी क्या ट्रांस फैट को यहाँ पे बंद करने की बात कही है,
इन सारी न्यूजों को दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे टॉप 5 करंट अफेयर ऑफ द डे में। तो दोस्तों अगर आप बात करें सबसे पहली खबर के बारे में तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली खबर आपसे क्या कह रही है कि इंडिया का पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे लद्दाख में शुरू किया जा रहा है। अब जरा लद्दाख की अगर आप देखें तो अभी कुछ दिन पहले ही आपका लद्दाख में एक मेट्रोलॉजिकल आपका यहाँ पे सेंटर भी खोला गया था। मेट्रोलॉजिकल सेंटर के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो आपकी स्टडी होती है, मतलब जो आपके मौसम की जानकारी होती है या फिर आपके लिए यहाँ पर वर्षा की बातें बताई जाती हैं, तो इसके लिए दोस्तों ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा शुरू किया गया। तो अगर आप देखें जब से आपका 2019 में यहाँ पे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तब से लेकर के आज तक लगातार लद्दाख को डेवलप करने के लिए दोस्तों ये सारी योजनाएं लगातार आपकी चल रही हैं। तो जिसमें पहली अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में आपका मेट्रोलॉजिकल सेंटर खोला गया। इसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है पहले जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों पहले अगर हम लोग बात करें जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में तो हमें पता है कि हमारी धरती यानी अर्थ के नीचे यहाँ पे काफी ज्यादा हमारा टेम्परेचर हाई होता है। तो उस यहाँ पे नीचे वाले टेम्परेचर को जो धरती के अंदर मौजूद है पानी के रूप में, तो उस गर्म पानी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए ऊर्जा उत्पादित करने के लिए। भाई हमें पता है गर्मी से अगर हम यहाँ पे अगर ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग दोस्तों उपयोग करते हैं आपका जियो थर्मल के अंतर्गत। तो ये जो दोस्तों जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसकी अगर बात की जाए पूरे भारत में तो काफी ज्यादा कैपेसिटी है। बात करें दोस्तों तो अभी वर्तमान समय में हमारे भारत के पास 10,000 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी है जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। और अगर बात करें दोस्तों तो ये वर्तमान समय में आपका सोन नर्मदा नदी के किनारे भी है, इसके अलावा आपका ये महानदी के किनारे भी है, और साथ ही साथ दोस्तों इसके यहाँ पे पोटेंशियल जो है आपका दोस्तों ये गोदावरी के किनारे भी है। तो आप खुद देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जिसका अभी तक हम लोगों ने उतना उपयोग नहीं किया है लेकिन इसका पोटेंशियल देखिए तो ये 10,000 मेगावाट के अराउंड है। जिसके माध्यम से दोस्तों अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमारे पास एक हमारा टारगेट था 175 गीगावाट का। तो 175 गीगावाट की जो दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी है, इस रिन्यूएबल एनर्जी को हमें यहाँ पे हासिल करना है आपका साल 2022 तक। तो अगर यहाँ पे दोस्तों इस तरीके के अगर आपके प्रयास किए जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे अपना टारगेट पहले ही अचीव कर लेंगे। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो ये आपका भले ही आपका पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो लेकिन इसके अलावा दूसरा एक और जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपका शुरू हो चुका है और इसका नाम है दोस्तों मणिकरण थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो दोस्तों मणिकरण थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये आपका हिमाचल प्रदेश में आपका लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये आपका दूसरा यहाँ पर जो जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसको माना जाएगा। और वही अगर दोस्तों बात करें आपसे इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ये जो आपका पहला प्रोजेक्ट है ये साल 2022 तक यहाँ पे इसको पूरा करने की बात कही जा रही है। और ये है दोस्तों यहाँ पर जो लद्दाख में गांव है और ये गांव बड़ा खास है दोस्तों, इसका नाम है पूगा विलेज। इस पूगा विलेज में दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर अगर इसके पोटेंशियल की बात की जाए तो इसी केवल गांव से दोस्तों 100 मेगावाट की जो जियो थर्मल एनर्जी है इसका उत्पादन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो इसी के उपयोग को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ में दोस्तों यहां पर भारत को आपका रिन्यूएबल एनर्जी में आगे लाने के लिए ये योजना आपकी शुरू की गई है जिसको यहाँ पे दोस्तों लागू करने की जो जिम्मेदारी है ये ONGC जो कि आपकी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है और इसके साथ साथ दोस्तों OEEC नामक संस्थान को यह जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो ये जो आपका लद्दाख वाला पूरा रीजन होता है इसको हम लोग यहाँ पे हिमालयन रीजन के नाम से जानते हैं। तो अगर दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, भले ही आपको यहाँ पे लद्दाख का नाम ना मिले तो आपको यहाँ पे दोस्तों आपको हिमालयन रीजन के नाम से वो ऑप्शन में जरूर दिखेगा क्योंकि आपका हिमालयन रीजन में ना केवल लद्दाख आएगा बल्कि इसके अलावा जो दूसरा यहाँ पे जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट खुल रहा है यानी कि हिमाचल प्रदेश में वो भी आपका शामिल होगा। और वहीं अगर दोस्तों अब बात करें हम लोग तो जो पहला आपका भारत में थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, थर्मल पावर प्रोजेक्ट का मतलब हो गया दोस्तों जो यहाँ पे आपका कोयले के लिए पावर प्रोजेक्ट स्टेशन शुरू किया गया था वो कौन सा था, तो दोस्तों ये हमें एक नंबर श्योर शॉट दिलवा सकता है अगर हमें इसके बारे में केवल पता हो। तो ये दोस्तों है आपका हुसैन सागर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और अगर बात की जाए दोस्तों हुसैन सागर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे स्थित है तो दोस्तों ये है आपका हैदराबाद में और हैदराबाद जैसा हमें पता है अब ये आपकी कैपिटल है तेलंगाना की। और इसके अलावा अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो इसी तरह से एक और आपका फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। अब जरा सोचिए ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों कहां पर होगा, तो अगर बात की जाए दोस्तों तो पहला जो न्यूक्लियर प्लांट है वो भारत में आपका तारापुर में आपका शुरू किया गया था। तारापुर न्यूक्लियर प्लांट जो है आपका ये भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट है दोस्तों जिसे महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। और वहीं अगर इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पर जो आपका सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट जो दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमारे क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से पूछा गया है। तो बिगेस्ट जो दोस्तों यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आपके लिए कुंडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी जानकारी थी आपकी यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट और आपके यहाँ पर जियो थर्मल पावर प्लांट से संबंधित।
अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेजेडी, त्रासदी से संबंधित, त्रासदी से संबंधित दोस्तों ये न्यूज क्या कह रही है हमसे, यहां पर हमसे न्यूज कह रही है कि जो चमोली आपका डिस्ट्रिक्ट है ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अब अगर जरा आप मैप में थोड़ा ध्यान दें तो मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहां पर इस मैप में ये है आपका उत्तराखंड, और इस उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे अंदर की तरफ तो यहां पे आपको एक रिवर दिखेगी, अलकनंदा रिवर। इसी अलकनंदा रिवर के किनारे दोस्तों यहाँ पे जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये आपकी घटना घटी थी, और इस घटना के बारे में पहले जान लीजिए। इस घटना के अंतर्गत जो आपका, आपने नाम सुना होगा नंदा देवी ग्लेशियर, तो नंदा देवी ग्लेशियर जो है आपका दोस्तों यहाँ पर आपका एक भूस्खलन हो गया था। भूस्खलन का मतलब ये होता है कि जो आपका वहां पर जो लैंड था वो आपका दब गया था। कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो आपका जो भूमि होती है, जैसे अगर आप रेत पे टहलते हो ना तो अगर आप रेत पे जैसे ही खड़े हो गए वो रेत दब जाती है, उसी प्रकार से दोस्तों जब यहाँ पे हमारी भूमि दब जाती है उसको हम लोग भूस्खलन के नाम से या लैंड स्लाइड के नाम से जानते हैं। तो यही जो दोस्तों लैंड स्लाइड होता है इसी के कारण यहाँ पे चमोली ट्रेजडी हुई थी। अब चमोली ट्रेजडी में हुआ क्या ये जान लीजिए। जैसे ही दोस्तों नंदा देवी का जो आपका यहाँ पे भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, उसके वजह से जमीन दबी और उसने जो वहां पे पानी था बगल में अलकनंदा का उसके लेवल को बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे अलकनंदा का जो पानी था उसका लेवल अचानक से बढ़ गया। हुआ क्या, उसके इसी रिवर के किनारे दो यहाँ पे आपके पावर प्रोजेक्ट थे, एक था यहाँ पे दोस्तों आपका तपोवन पावर प्रोजेक्ट और दूसरा था ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो दोस्तों आपके तपोवन पावन प्रोजेक्ट था और इसके अलावा ऋषि गंगा, यहां पर दोस्तों इतनी ज्यादा आपके यहाँ पे पानी भर गया कि यहाँ पे ना केवल लोगों की जानें चली गई, लगभग 30 लोगों की जान चली गई दोस्तों, बल्कि कई सारे यहाँ पे जो गांव थे आपके, लगभग 18 गांव थे दोस्तों, वो भी यहाँ पे फंस गए। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इस भूस्खलन में दोस्तों यहाँ पर एक चीज और कही गई है कि इसके माध्यम से अब यहाँ पे आगे आने वाले समय में जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो भी काफी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें इसके अलावा तो अब इस यहाँ पे जो आपका इंसिडेंट हो गया, ये जो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपकी आपके ग्लेशियर ब्रीच हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, इसको यहाँ पे दोस्तों जांचने की जिम्मेदारी दी गई है एसएएसई को। अब एसएएसई दोस्तों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है आपकी इस केस के लिए। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्नो एंड एवलांश। स्नो एंड एवलांश का मतलब होता है यहाँ पे जो आपके जो बर्फ जो है नीचे की तरफ गिरती है माउंटेन से, तो स्नो एंड एवलांश स्टडी एस्टेब्लिशमेंट। ये दोस्तों अगर आप देखो तो ये कोई अलग से कोई सरकारी संस्थान नहीं है, ये जहां पे अगर आपने नाम सुना हो डीआरडीओ, जिसके यहाँ पे आपके मुखिया हैं जी सतीश रेड्डी, तो ये आपके डीआरडीओ के जो मुखिया हैं जी सतीश रेड्डी, उसी के यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपकी जो अलग से एक यहाँ पे पार्ट है उसे हम लोग एससीएससी के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य काम है माफ कीजिएगा, जिसका मुख्य काम है यहाँ पे आपका स्नो और एवलांश की यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो इसका नाम याद रखिएगा और फुल फॉर्म भी। और वहीं अगर दोस्तों हम लोग बात करें अब आपसे अलकनंदा रिवर की, जहां पे ये आपका यहाँ पे त्रासदी हुई है, तो अलकनंदा रिवर जो है आपकी यहाँ पे दो नदियों से जुड़ती है, एक है दोस्तों यहाँ पे आपकी गंगा और दूसरी है आपकी भागीरथी। तो गंगा और भागीरथी दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट करती है आपकी अलकनंदा को। वहीं इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो अब आप नीचे देख सकते हैं कि ये हैं आपके सारे के सारे यहाँ पे पॉइंट्स जिन पे आपकी अलग अलग जो आपकी यहाँ पे न्यूज में आपकी आपकी जो पूछी जा सकती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बनते हैं। नंबर वन है विष्णुप्रयाग दोस्तों। विष्णुप्रयाग में जहां आपका धौला गंगा और अलकनंदा रिवर मिलती है, वहीं इसके अलावा जो नंद प्रयाग है दोस्तों यहाँ पे नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा आपकी मिलती है। पहले एक चीज दोस्तों जान लीजिए, कोई भी पॉइंट होगा वहां पर आपकी अलकनंदा रिवर ही मिल रही होगी, ठीक है। तो यहां पे इसके अलावा जो रिवर होगी उसी के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें दोस्तों आपसे कर्णप्रयाग के बारे में, तो यहाँ पे पिंडारी मिलती है अलकनंदा से, इसके अलावा रुद्रप्रयाग में दोस्तों मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, और इसके अलावा दोस्तों जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग में आपकी भागीरथी मिलती है आपकी अलकनंदा के साथ में। तो दोस्तों ये थी आपके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके यहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित बनते हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों अभी हाल ही में एक डे मनाया गया था जिसको वहां का स्टेट डे भी कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड डे जो है आपका ये मनाया जाता है नवंबर 9 को। तो 9 नवंबर को दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड डे मनाया गया था। और इसके साथ में दोस्तों उत्तराखंड में एक परियोजना भी आपकी शुरू की गई है जिसका नाम है आपका चार धाम परियोजना। तो चार धाम परियोजना का मतलब ये है दोस्तों जो आपका गंगोत्री यमुनोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ है, इसको आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ना केवल रोड से बल्कि आपका रेलवे से जोड़ने के लिए भी आपका ये चार धाम योजना को शुरू किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो ये 13 अक्टूबर की डेट भी दोस्तों बड़ी खास है। क्यों आखिरकार, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है आपका यहाँ पे इंटरनेशनल डिजास्टर डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल आपका जो डे है डिजास्टर डे रिडक्शन के लिए, इसको हम लोग मनाते हैं दोस्तों 13 अक्टूबर को। तो डिजास्टर डे रिडक्शन डे हो गया आपका यहाँ पर 13 अक्टूबर को। तो देखिए दोस्तों ये सारी न्यूज थी यहाँ पे आपकी इस संबंधित। तो अब जरा आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित।
अब उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात की जाए दोस्तों, तो यहां पे एक यूनिकोड को शुरू किया जा रहा है। तो अगर यूनिकोड की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये आखिरकार खास क्यों है, तो पहले इसको जान लीजिए। तो दोस्तों अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पे एक योजना शुरू की जाती है, वरासत योजना। तो पहले अगर बात करें दोस्तों इस वरासत योजना के बारे में, तो इसी के आधार पे आपकी ये न्यूज आपको यहां पे मिली थी। वरासत योजना दोस्तों क्या थी? वरासत योजना के अंतर्गत दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा यहाँ पे, खतौनी का नाम सुना होगा आपने, खतौनी। खतौनी का मतलब होता है जो लैंड होल्डिंग होती है, जो कि आपकी कृषि भूमि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कई बार ऐसा होता था कि कृषि भूमि में कई सारे आपके घोटाले हो जाते थे, या फिर अगर दो भाई अलग होते थे तो यहाँ पे कृषि भूमि तो वो अलग कर लेते थे, लेकिन जो उसके पेपर होते थे नाम उसमें चेंज नहीं होता था, या उसमें धोखाधड़ी कर दी जाती थी। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये वरासत योजना शुरू की गई थी 2 महीने के लिए, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जो भी अगर आपकी कोई भी यहाँ पे लड़ाई है, कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट है, तो उसको यहाँ पे आपका सीधे अधिकारियों के, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होंगे, उनके द्वारा सॉल्व किया जाएगा। अब उसी समस्या को परमानेंट रूप से सॉल्व करने के लिए दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपका 16 डिजिट का यूनिक कोड अब जारी कर दिया गया है। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूं दोस्तों लैंड होल्डिंग के बारे में, तो एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि यहां पर हमारे पूरे भारत में जो लैंड होल्डिंग होती है, उसे मुख्यतः हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक होती है दोस्तों यहां पे मार्जिनल लैंड होल्डिंग, यानी कि इसे हम लोग छोटी जोत के नाम से जानते हैं। दूसरी होती है यहां पे स्मॉल जोत, और तीसरी होती है दोस्तों यहां पे लार्ज और मीडियम जोत। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, जो मार्जिनल जोत होती है ये आपकी लगभग 1 हेक्टेयर से कम होती है, जो आपकी स्मॉल होगी वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होती है, और जो लार्ज होती है दोस्तों वो 4 से 10 हेक्टेयर के मध्य होती है। तो इन्हीं लैंड होल्डिंग्स को एक नाम देने के लिए, पहचान देने के लिए दोस्तों ये आपका 16 यूनिट का जो डिजिट कोड है उसको शुरू किया गया। और अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में सबसे ज्यादा मार्जिनल जो आपका लैंड होल्डिंग है वो उपलब्ध है, और अगर बात करें इसके प्रतिशत की, तो लगभग 67% जो है आपका ये भारत में मार्जिनल लैंड होल्डिंग है। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है आपका स्मॉल लैंड होल्डिंग का, जिसका प्रतिशत है 18, और वहीं अगर बात करें दोस्तों लार्ज लैंड होल्डिंग की, तो इसका बाकी बचा हुआ प्रतिशत आपका यहाँ पे लार्ज लैंड होल्डिंग में आएगा। अब देखिए बात करते हैं 16 डिजिट यूनिकोड के बारे में। तो ये जो आपका 16 डिजिट यूनिकोड है, मतलब इसमें दोस्तों 16 अंक होंगे, और ये 16 अंक जो है आपके ये खास इसलिए है क्योंकि अगर बात करें दोस्तों उसके पहले 6 आपके अंकों की, तो ये पहले 6 अंक जो है दोस्तों ये आपके लैंड की संख्या बताएंगे। लैंड का मतलब जो पॉपुलेशन होगी या फिर नंबर होंगे दोस्तों कि किसी भी राज्य में, किसी भी जगह में वहां पे कितने कुल वहां पे भूमि है। और वहीं दोस्तों इसके जो आखिरी 2 नंबर होंगे, मतलब जो लास्ट 2 डिजिट होंगे आपके, ये आपको ये बताएंगे कि जो आखिरी 2 नंबर है इनमें से यह रेजिडेंशियल आपका लैंड है, या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये कमर्शियल लैंड है। भाई आपको पता होगा, या तो आप भूमि से रहने का कार्य करते हो, या फिर उस पर कोई बिजनेस करते हो, या फिर एग्रीकल्चर करते हो। तो इसको यहाँ पे अलग अलग बताने के लिए यूनिकोड के जो 2 लास्ट डिजिट होंगे दोस्तों उनका प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका 16 डिजिट का लास्ट कोड यूनिकोड, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भूमि की समस्या को समाप्त करने के लिए जारी किया गया है। अब जरा अगली खबर पर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, हाँ जी दीपक जी, गुड मॉर्निंग। तो अगर हम लोग अगली खबर के बारे में बात करें, तो यह है एक आपकी इंटरनेशनल खबर जो कि चाइना से जुड़ी हुई है। चाइना के द्वारा दोस्तों यहां पर मंगल या ग्रह पे आपका यहाँ पे सबसे पहला अपना एक प्रोब भेजा गया है, जिसका नाम है तियान वेन। तो अगर बात करें दोस्तों, तो इसके बाद अब आपका जो चाइना होगा, ये चाइना आपका 6ठा देश बन जाएगा, वो भी इंडिया के बाद। तो जरा मुस्कुरा लीजिए दोस्तों कि अब इंडिया के बाद चाइना आपका 6ठा देश है जिसके द्वारा मंगल ग्रह पे आपका यहाँ पे एक यान अपना तियान वेन 1 भेजा गया है। अब सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों मार्स के ही बारे में, क्योंकि सवाल भी हमारा एग्जामिनर इसी से पता नहीं क्यों पूछ भी लेता है। तो इसको दोस्तों एक तरफ जहां हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, वहीं दोस्तों इसके आपके 2 चंद्रमा भी हैं जो आपसे कई बार पूछे गए हैं। अगर बात करें दोस्तों मार्स के चंद्रमा के बारे में, तो एक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे फोबोस, और दूसरा हो जाएगा डीमोस, और ये कई बार दोस्तों यहाँ पे आपके रिपीट भी हुए। और अगर बात करें दोस्तों हम लोग मार्स के बारे में, तो इससे जुड़े हुए कई सारे दोस्तों अभियान हैं, मिशन हैं, जो कि आपके यहाँ पे नासा के द्वारा जारी किए जा चुके हैं। नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, तो पाथ फाइंडर जो है आपका दोस्तों, ये मार्स के लिए ही भेजा गया था नासा के द्वारा, और इसके अलावा 2 और थे यहाँ पे। एक था दोस्तों उसका नाम था स्पिरिट, और अगले का नाम हो जाएगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट, और इसके अलावा दोस्तों पाथ फाइंडर, ये तीनों आपके मिशन भेजे गए थे नासा के द्वारा, जो कि सीधे मार्स पे गए थे। और वहीं अगर दोस्तों हम लोग बात कर ले अपने देश भारत यानी इंडिया के बारे में दोस्तों, तो इंडिया के द्वारा जो आपका यहाँ पे मिशन भेजा गया था उसका नाम था MOM। MOM मॉम है भले ही आपको दिख रहा हो दोस्तों, लेकिन इसका नाम है मिशन ऑर्बिटल, सॉरी मार्स ऑन मिशन ऑर्बिटल। तो अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो MOM के बारे में, इसको हम लोगों ने मंगलयान का नाम भी दिया था। ये मंगलयान जो है दोस्तों, इसको हम लोगों ने भेजा था साल 2014 में,
और साल 2014 में जब ये आपका मंगल ग्रह पे पहुंचा था, तो इसने जो है दोस्तों सबसे पहले वहां चक्र जो आपका जो ऑर्बिट होता है उसमें चक्कर लगा करके पहली फोटो भेजी थी भारत को। और अगर बात करें दोस्तों तो इसको किस रॉकेट से भेजा गया ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे अभी तक ऐतिहासिक आपके यहाँ पे मिशन में शामिल है। तो इसको दोस्तों यहाँ पे PSLV आपका जो रॉकेट होता है उसके द्वारा भेजा गया था, जिसका नंबर था दोस्तों XL C-25। तो XL C-25 PSLV के द्वारा यहाँ पे मंगलयान को भेजा गया था इसरो के माध्यम से। और वहीं अगर बात दोस्तों बात करें तो अब यहाँ पे जो भारत है आपका, ये आपका रशिया, US और यूरोप जैसे देशों में आपका शामिल हो गया था। और वहीं अगर दोस्तों हम लोग बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पे चाइना के द्वारा एक और आपका यहाँ पे मिशन क्राफ्ट शुरू किया गया था। मिशन क्राफ्ट का अगर बात करें दोस्तों तो इसका नाम था आपका चांग E-5। चांग E-5 का जैसे ही आपको नाम आएगा तो ये तियानवेन के बाद पहले ही आपका दोस्तों भेजा गया था, जिसके माध्यम से जो आपका फार साइड ऑफ मून होता है, मतलब ऐसी जगह जहां पे अभी तक किसी के द्वारा भी आपका मून आपके यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च नहीं किया गया या आपका रॉकेट नहीं गया है, तो इस फार साइड ऑफ मून पे आपका पहुंचने वाला पहला देश बना था चाइना, जिसके द्वारा दोस्तों चांग E-5 के माध्यम से जो वहां के आपके सैंपल्स होते हैं, सॉलिड सैंपल्स होते हैं, मतलब मिट्टी हो गई या फिर उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपके मिनरल्स हो गए उसको इकट्ठा करने के लिए आपका चांग E-5 को भेजा गया था चाइना के माध्यम से। अब दोस्तों अगर बात करें इस मिशन के अंतर्गत, तो इस मिशन यानी तियानवेन के द्वारा जो आपकी पहली फोटो भेजी गई है, ये जो दोस्तों पहली फोटो भेजी गई है इसमें दो क्रेटर के नाम साफ साफ हमें दिखाई दिए। एक क्रेटर का दोस्तों नाम है आपका सिचिया परेली और दूसरा यहाँ पे दोस्तों क्रेटर हो जाएगा आपका वेलेस मेरियंस। तो वेलेस मेरियंस और इसके अलावा सिचिया परेली, ये दोनों दोस्तों अब याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे यहाँ से सवाल बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है। सिंपल सी चीज पूछी जाएगी कि यहाँ पे आप बता दो कि यहाँ पे जो आपका ये दोनों क्रेटर है ये आपके किस प्लानिट से संबंधित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सारी न्यूज़ थी यहाँ पे आपकी चाइना से संबंधित। अब जरा बढ़ते हैं अगले यहाँ पे खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर थोड़ी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है कि अगर आप खाना खाते हो तो यहाँ पे तेल से जुड़ी हुई चीजों को कम खाइए, तेल ना खाओ, इससे बढ़िया दोस्तों घी खाओ। घी ज्यादा फायदेमंद है, ताकत देता है आपको, लेकिन अगर बात करें तो अब हम लोग को इतना ज्यादा खाने की आदत है कि हम लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर जो पिज्जा हम लोग खा रहे हैं उसमें कुल कितने प्रतिशत दोस्तों ट्रांस फैट है। तो दोस्तों इसी को लिमिट करने के लिए यहाँ पे FSSAI के द्वारा एक आपका अभियान शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से आपका जो ट्रांस फैट है खानों में उसको 5% करने का प्रयास किया गया था। तो अब इसके बाद दोस्तों ये टारगेट बढ़ाया गया, इसको फिर 3% किया गया, जिसको हासिल करना था 2021 यानी कि इस वर्ष तक। और अब इसी को दोस्तों फिर से आगे बढ़ाया जाएगा और अब इसकी लिमिट कर दी जाएगी केवल 2% पूरे खाने में। तो बात करें दोस्तों तो इतनी चिंता FSSAI को हो क्यों रही है, तो अगर बात करें सबसे पहले दोस्तों FSSAI के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये दोस्तों यहाँ पे भारत में जो भी फूड की क्वालिटी होती है उसको जांचने के लिए प्रयोग करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने ब्रेड अगर खाई हो या फिर इसके अलावा केक खाया हो या फिर इसके अलावा दोस्तों पिज्जा खाया हो, इन सारी चीजों में दोस्तों ये ट्रांस फैट की जो आपकी क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, जिसके माध्यम से जो आपके यहाँ पे हार्ट की यहाँ पे जो आपकी वेन्स होती है यहाँ पे इनमें यहाँ पे दोस्तों क्लॉगिंग होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब वहां पे रक्त का थप्पा या फिर आपका जो फैट होगा वो डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा बढ़ाता है आपका ट्रांस फैट। तो दोस्तों आपका ट्रांस फैट की जो आपकी यहाँ पे लिमिट है इसको अब करने की बात की गई है लगभग 2% के अराउंड में। तो ये दोस्तों अभी आपका प्रेजेंट टाइम का यहाँ पे टारगेट है, जिसके माध्यम से FSSAI यहाँ पे भारत में आपकी स्वास्थ्य मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं अगर दोस्तों बात करें तो इसी ट्रांस फैट की तरह जितने भी आपके डेंजरस फूड है, इन डेंजरस फूड को यहाँ पे दोस्तों एक कंट्री है उसके द्वारा पूरी तरीके से बंद करने की बात कही गई है साल 2030 तक। तो दोस्तों वो कंट्री आपके लिए हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों जितना भी आपका हानिकारक फूड है उसको अब यहाँ पे पूरे तरीके से बैन करने की बात की गई है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो ये जो ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट से भी संबंधित आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आखिरकार ये ट्रांस फैट है क्या। तो दोस्तों जब भी अगर हम लोग इसमें हाइड्रोजन को अगर अलग से मिला देते हैं किसी भी वेजिटेबल ऑयल में, मतलब अगर मैंने वेजिटेबल ऑयल में यहाँ पे अगर मैंने हाइड्रोजन को दोस्तों मिला दिया तो वही हमें यहाँ पे ट्रांस फैट का एक पक्का स्वरूप देता है। तो वेजिटेबल ऑयल जैसे कि आप देखो ये लिक्विड है, और वहीं अगर बात की जाए दोस्तों ट्रांस फैट के बारे में तो ये एक सॉलिड सैंपल के रूप में पाया जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि एक तरफ यहाँ पे एक तो हमें इसे रखने में आसानी होती है, दूसरा यहाँ पे जो उसकी शेल्फ लाइफ होती है मतलब जो उसकी आयु होती है दोस्तों वो भी बढ़ जाती है ट्रांस फैट के रूप में। तो एक तो होता है ये सस्ता और दूसरा इसको रखने में है आसानी। तो दोस्तों इसीलिए ज्यादातर जो है आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में आपका ट्रांस फैट का ही प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो WHO को इस ट्रांस फैट से बड़ी चिंता भी है। चिंता क्यों है दोस्तों, वो वाजिब भी है आखिरकार, क्योंकि यहां पे हर वर्ष लगभग 5.5 लाख लोगों की जो मृत्यु होती है दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे अधिक घी तेल खाने की वजह से होती है। तो अगर आपको इसमें नहीं आना है,
तो आज से कसम खा लीजिए दोस्तों कि अब आप जो है यहाँ पे घी तेल की चीजें ज्यादा नहीं खाएंगे। घी खा लो, तेल मत खाना, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इसने एक टारगेट भी अपना बना लिया है, और ये टारगेट क्या है कि हम साल 2023 तक, यानी कि आने वाले 2 सालों में, हम ये जो ट्रांस फैट है इसको पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे। तो ये ट्रांस फैट को समाप्त करने का जो टारगेट है साल 2023 तक, ये आपका अपनाया गया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों अब हम लोग बात कर लें FSSAI के बारे में, यानी कि फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो दोस्तों इसके जो वर्तमान समय के चेयरमैन है, इन चेयरमैन का नाम हमसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपके लिए हो जाएंगी रीता तियोशिया। तो रीता तियोशिया जो है आपकी ये वर्तमान समय की चेयरमैन है FSSAI की। और इसी तरह दोस्तों चूंकि ये आपकी एक संस्थान है जिसको प्राइवेट रूप में भी चलाया जाएगा, तो इसमें सीईओ का पद भी है, और वर्तमान समय में इसके यहाँ पे सीईओ है अरुण सिंघल। तो अरुण सिंघल हो जाएंगे आपके यहाँ पे सीईओ, और वहीं चेयरमैन हो जाएंगे आपकी रीता तियोशिया। और अगर बात करें दोस्तों FSSAI की, तो ये ज्यादा पुराना नहीं है, इसको यहाँ पे साल 2011 में आपका स्थापित किया गया था। तो देखिए दोस्तों ये सारी न्यूज तो यहाँ पे आपकी FSSAI से जुड़ी हुई। अब समय है दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का, कुछ क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस आप पहले भी कर चुके होंगे या फिर आपके लगातार न्यूज में भी बने होंगे। तो जरा तैयार हो जाइए कमर बांध के, कि जो भी आपसे सवाल पूछा जाए उसका आप यहाँ पे सही जवाब दे पाओ। तो जरा देखते हैं दोस्तों आज के कौन से हमारे करंट अफेयर एमसीक्यूज। पहला सवाल आपके लिए, पहला सवाल है दोस्तों कि इंडिया के द्वारा यहां पे 1 लाख कोविड वैक्सीन, ध्यान रखिएगा यहां पे जो संख्या दी है दोस्तों वो एक स्पेसिफिक देश के लिए ही संबंधित होती है। अब पूछा यह गया है कि 1 लाख कोविड वैक्सीन ये आपके किस देश के लिए यहां पे दोस्तों परमिट किए गए, भेजे गए हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, नेपाल, बहराइन, कंबोडिया होगा या फिर जर्मनी होगा। तो जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि इनमें से कौन सा होगा आपके लिए राइट ऑप्शन, जिसके द्वारा यहां पर आपका परमिट किया गया है 1 लाख COVID-19 वैक्सीन को। तो अगर बात करें दोस्तों उस देश के बारे में, तो वहां का कैपिटल यानी जो राजधानी है दोस्तों उसको हम लोग नॉम फे के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें, वहां का एक मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध, उसका नाम है अंकोर वाट। कहा तो यह भी जाता है ये आपका यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया। मेरे ख्याल से कई मेरे भाई बंधु यहाँ पे भूल रहे हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, कोशिश करते रहिएगा लेकिन, ठीक है। अब जरा देखो बात करें अंकोर वाट के बारे में, तो जरा ध्यान से सुनना दोस्तों, अंकोर वाट से संबंधित एक आपका यहाँ पे पॉइंट और बनता है कि इसको आपका यहाँ पे किस एम्पायर के दौरान इसको यहाँ पे बनाया गया था। तो दोस्तों एक खमेर एम्पायर था आपका कंबोडिया में, उसके द्वारा अंकोर वाट को यहाँ पे मंदिर को निर्माण किया गया था। लेकिन ये जो खमेर एम्पायर है ना, ये अपनी क्रूरता के लिए, जैसे आपका यहाँ पर औरंगजेब को जाना जाता है, वहां पे आपका खमेर एम्पायर को जाना जाता है। और अगर बात करें दोस्तों, तो इसीलिए चूंकि वहां पे सबसे ज्यादा शासन आपका खमेर एम्पायर ने किया है, तो यहाँ की जो ऑफिशियल यानी कि राजकीय भाषा है वो भी यहाँ पे दोस्तों आपकी खमेर ही है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें, तो कंबोडिया में आज भी राजा का शासन है यानी किंग है वहां पर, और इनका नाम है नेरोदोम सीनामोनी। तो नेरोदोम सीनामोनी जो है आपके, ये वर्तमान समय के आपके यहाँ पे किंग है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे दोस्तों आपके हुन सेन। तो ये है दोस्तों हुन सेन, जो कि वर्तमान समय में आपके कंबोडिया के PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। और अगर बात करें दोस्तों कंबोडिया के बारे में, तो कंबोडिया की जो करेंसी यानी मुद्रा है ये भी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वियतनाम की तरह इसका भी नाम थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। ये है आपके लिए रियल, तो रियल करेंसी है दोस्तों जिसको हम लोग कंबोडिया में प्रयोग करते हैं। और अगर बात करें दोस्तों नदी के बारे में, तो यहाँ पे जो आपकी दोस्तों रिवर है इसको हम लोग मैकोंग के नाम से जानते हैं। तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पे आपकी जो मैकोंग रिवर है, ये ना केवल आपकी कंबोडिया में बल्कि म्यांमार और थाईलैंड से भी गुजरती है। और वहीं इसके अलावा दोस्तों ये जो आपका यहाँ पे मैकोंग है, मैकोंग ने जो है दोस्तों ये गंगा के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है भारत के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के लेते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आपसे, जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपके डायरेक्टर ऑफ एयरफोर्स हेडक्वार्टर, डायरेक्टर ऑफ एयरफोर्स हेडक्वार्टर जो की है आपका नई दिल्ली में, पूछा यह गया है कि इस नई दिल्ली का जो आपका एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है इसके डायरेक्टर कौन है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, और अगर मैं कहूं तो अगर आपको 3 पता होंगे तो चौथा अपने आप ही उसका आंसर बन जाएगा। मनोज मुकुंद नरवने, विपिन रावत, GS बेदी या फिर राकेश भदौरिया। तो जरा फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे सही लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। तो अगर दोस्तों हम लोग बात करें आपसे एयरफोर्स के बारे में, तो एक एयरफोर्स का आपके यहाँ पे डे भी तो मनाया जाता है, तो और ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसको हम लोग मनाते हैं 8 अक्टूबर को। और अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये 8 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी 8 अक्टूबर को ही 1932 में यहाँ पे भारत को यहाँ पे एक प्रकार से अपनी खुद की एक एयरफोर्स सेना मिली थी। और अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो ये जो आपका एयरफोर्स है इसके यहाँ पे जो चीफ हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे राकेश सिंह भदौरिया। तो राकेश सिंह भदौरिया तो हो गए आपके इंडियन एयरफोर्स के चीफ,
और अगर बात करें राइट ऑप्शन की, तो अब जो वहां का हेडक्वार्टर है एयरफोर्स का दोस्तों, उसके डायरेक्टर है आपके जीएस बेदी। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो विपिन रावत ये आपके वर्तमान समय के सीडीएस है यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, और मनोज मुकुंद नरवाने दोस्तों ये आपके आर्मी चीफ है। और अगर इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करें एयरफोर्स के ही बारे में, तो कई सारे दोस्तों ऑपरेशन है दोस्तों जो यहाँ पे आपके एयरफोर्स के द्वारा चलाए गए थे। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक ऑपरेशन था आपका ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन विजय जो है दोस्तों, अगर आप कहें तो ये दो तरीके से चलाया गया था। एक था जो आर्मी के द्वारा चलाया गया था कारगिल में, लेकिन ये जो आपका दोस्तों ये ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय, इसको यहाँ पे गोवा को यहाँ पे मुक्त करने के लिए आपका शुरू किया गया था 1961 में। तो यहाँ पे जब आपका गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, उसको यहाँ पे आजाद करने का आपका कोशिश की गई थी ऑपरेशन विजय के माध्यम से, और हम लोग उसमें सफल भी हुए थे। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक और यहाँ पे ऑपरेशन था, उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत जो है आपका, ये 1984 में चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर में चाइना के खिलाफ। तो सियाचिन ग्लेशियर में जो आपका दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन चला था मेघदूत, इसके माध्यम से यहाँ पे एयरफोर्स ने आपकी जीत भी हासिल की थी। और इसके अलावा दोस्तों एक ऑपरेशन और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस ऑपरेशन का दोस्तों यहाँ पे नाम हो जाएगा ऑपरेशन कैक्टस। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके माध्यम से साल 1988 यानी 1988 में जो आपकी मालदीव्स में यहाँ पे विद्रोह हुआ था, जैसे अभी आपका म्यांमार में विद्रोह हो रहा है, तो इसी विद्रोह को दबाने के लिए एयरफोर्स की आपकी आपकी पूरी पूरी टुकड़ी भेजी गई थी यहाँ पे आपका मालदीव्स में। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे कई सारे हथियार हैं जो आज भी हम लोग अलग अलग देशों से खरीदते हैं। अगर इसमें बात करें दोस्तों तो अपाशे हेलीकॉप्टर का नाम सुना होगा आपने। ये जो अपाशे हेलीकॉप्टर है ये हमने यूएस से खरीदा है। सुखोई जैसे व्यान जो आपके विमान है उनको हम लोगों ने रशिया से खरीदा है। और इसके अलावा राफेल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा भी गया है कई बार कि ये आपके फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी से ये हमने अभी हाल ही में इसको खरीदा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सारी न्यूज़ थी आपकी आपकी इस क्वेश्चन से संबंधित। तो ये है आपके राकेश सिंह भदौरिया जो वर्तमान समय में आपके यहाँ पर आईएएफ चीफ है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ये है आपका राफेल विमान जिसपे यहाँ पे पूजा करने के लिए राजनाथ सिंह को यहाँ पे न्यूज यानी खबरों का भी सामना करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों उस राज्य के बारे में जिसने अभी हाल ही में 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन को अपने राज्य में शुरू किया है या यूटी में शुरू किया है। तो 500 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट, भाई हमको पता है कि हर जगह टुक टुक विमान चलते ही है, तो ये जो टुक टुक विमान है जो बिना आवाज के ही हमारे आगे का पीछे कहीं पे भी निकल जाते हैं दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पे किस राज्य सरकार के द्वारा आपके 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन आपके शुरू किए गए। तो जरा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे सही लगता है। चार ऑप्शन से दोस्तों, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश होगा या फिर केरल होगा। तो अगर दोस्तों बात करें उस राज्य के बारे में तो वहां के सीएम हो जाएंगे आपके केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी जिस राज्य के यहाँ पे दोस्तों सीएम है वही होगा यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन। तो अब जरा मुझे फटाफट जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो राज्य कौन सा होगा जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्कूल बैग पॉलिसी भी लेके आई गई थी। और ये स्कूल बैग पॉलिसी दोस्तों बड़ी खास है क्योंकि इसके माध्यम से एक बड़ी अच्छी बात कही गई। उन्होंने कहा कि जितना आपका वजन होगा उसी का केवल 10% है वो आपको अपनी किताबों के रूप में लेके जाना है। आप खुद सोचो आप कि अगर आपको अपने वजन का केवल 10% ले जाना हो, तो अगर आप दुबले होंगे तब तो अच्छा है, लेकिन सोचो अगर आपका वजन ही 100 किलो हुआ तो आपके बैग का वजन भी अपने आप ही 10% यानी 10 किलो हो जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसी राज्य के द्वारा अभी हाल ही में HSRP नाम की प्लेटें जारी की गई थी। तो ये जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन प्लेट है इसके माध्यम से यहाँ पर आपका जो एक आधुनिकता आपकी जो प्लेटें होती हैं जिसमें आपकी सारी जानकारी होगी, इसके अलावा यहां पर उसमें किसी भी प्रकार की कोई फ्रॉड कोई आपका बदला नहीं जा सकता। तो इतनी अति सुरक्षित जो आपकी प्लेट है दोस्तों उसको हम लोगों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का नाम दिया है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार के द्वारा दोस्तों यहाँ पे 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन की घोषणा की गई है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे एक ऑपरेशन भी था जो आपको जानना जरूरी है, और इस ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा आपके लिए, ऑपरेशन शील्ड। और इस ऑपरेशन शील्ड के माध्यम से दोस्तों जो भी आपके क्वारंटाइन में लोग जाते थे उन क्वारंटाइन में लोगों जाने से साथ साथ उन पे निगरानी रखना और उनको सही आपके व्यवस्था देनी, इसके लिए यहाँ पे आपका ऑपरेशन शील्ड को शुरू किया गया था आपका दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर अनिल बैजल जो कि वर्तमान समय में आपके यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, और ये है हमारे केजू जी जो कि आपके सीएम है आपके दिल्ली के, और दोनों ही बहुत ही महान पर्सनैलिटीज हैं। और ये जो दोस्तों आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं ये है एनसीआर का चित्र, जिसमें अगर एक तरफ आप देखेंगे तो ये हरियाणा है, नीचे की तरफ अलवर से जैसे डिस्ट्रिक्ट ये आपके राजस्थान में आते हैं, और ये वाला जो है आपका हिस्सा जो कि नीले कलर से दोस्तों दिखा रहा है इसमें उत्तर प्रदेश के शामली, बागपत से लेके के हापुड़, ये सब दोस्तों यहाँ पे एनसीआर के रीजन है जिनको यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल पे आपका डेवलप करने की बात कही
कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। किस कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में आपका ऑनलाइन पेमेंट सर्विस को 1 अप्रैल से बंद करने की बात कही गई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब मोदी जी ने आते ही आते नंबर वन यहां पे पीएम वाणी योजना को शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से दोस्तों उन्होंने फ्री वाईफाई की सर्विस शुरू कर दी। अब भले ही आपके पास वाईफाई की आपकी दिक्कत हो तो वो आपकी सॉल्व कर दी, और इसके अलावा उन्होंने दोस्तों एक यहाँ पे भारत के लिए भारत क्यूआर ऐप भी पेमेंट भी शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने भीम पे को भी शुरू कर दिया, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार का बैंक और किसी भी प्रकार का आपका एटीएम हो वो सब चलेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे उन्होंने रुपे कार्ड को भी बढ़ावा दे दिया। अब देखो जरा इनकी योजनाओं का असर, इसका मतलब समझना दोस्तों कि इसके माध्यम से जो आपकी एक प्राइवेट कंपनी थी जो कि विदेशी थी, और साथ साथ दोस्तों उसका यहाँ पे पूरा वर्चस्व भले पूरे विश्व में था, लेकिन मजबूरन यहाँ पे हमारी भारतीय कंपनियों की, जैसे यहाँ पे आप बात करें दोस्तों पेटीएम की, तो पेटीएम की सफलता की वजह से यहाँ पे दोस्तों वो कंपनी नहीं चल पाई। तो अगर दोस्तों बात करें उस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए उस कंपनी का नाम हो जाएगा पेपाल। जी हाँ दोस्तों, ये पेपाल कंपनी जो है आपने नाम कई बार सुना होगा, लेकिन ये पेपाल कंपनी जो है आपकी ये भारतीय नहीं है, बल्कि ये यूएस की कंपनी है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों तो इसके वर्तमान समय में जो सीईओ है, इन सीईओ का नाम है आपका डान शुल्डमैन। तो डान शुल्डमैन का आपने नाम नहीं सुना होगा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, डान शुल्डमैन का आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन दोस्तों इसके जो फाउंडर हैं इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि इनकी एक कंपनी है स्पेसएक्स, और इनका नाम है दोस्तों इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क के द्वारा दोस्तों ये आपकी कंपनी फाउंड की गई थी, जिनके बल पे आज कई लोग दोस्तों उनके यहाँ पे घर की रोटियां चलती हैं इलॉन मस्क के कारण ही, क्योंकि इनकी कई सारी कंपनियां हैं। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो पेपाल जो है आपकी, पेपाल के द्वारा दोस्तों यहां पर आपका जो कंपनी थी, अब इसका जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है भारत में, इसको 1 अप्रैल से यहां पे बंद कर दिया जाएगा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें भारत में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था के बारे में, तो भारत में दोस्तों जो आपका डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था है इसको देखने के लिए एक कमिटी की यहाँ पे बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा। तो ये आपसे कई बार दोस्तों सवाल पूछा गया है कि ये जो डिजिटल पेमेंट कमिटी है इसको यहाँ पे दोस्तों अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब हो जाएगा नंदन नीलेकणी के द्वारा। और वहीं अगर दोस्तों बात करें तो अभी हाल ही में एक आपकी प्राइवेट कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक, नाम भी सुना होगा आपने दोस्तों, तो इसके द्वारा एक एप्लीकेशन आपकी शुरू की गई थी ऑनलाइन पेमेंट के लिए, और उसका दोस्तों नाम था इजी पे ऐप। तो इजी पे ऐप जो है दोस्तों ये जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, यानी जिनको हम लोग इंग्लिश में मर्चेंट कहते हैं, तो मर्चेंट्स के लिए दोस्तों ये आपकी एप्लीकेशन शुरू की गई थी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। किस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में उद्योग मंथन को आपका शुरू किया गया। उद्योग मंथन एक ऐसी जगह दोस्तों जहां पर आपके लिए यहाँ पे क्वालिटी का एक आपको सामान मिल पाए, साथ ही साथ दोस्तों हमारे भारत की जो उत्पादकता है उसको भी हम लोग बढ़ा सकें, तो इसके लिए आपका उद्योग मंथन को यहाँ पे किस मिनिस्ट्री के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। तो जैसा कि नाम से ही दोस्तों दिख रहा है आपको कि यहाँ पे जो आपकी मिनिस्ट्री होगी वो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों राइट ऑप्शन की, तो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी राकेश जी, गुड मॉर्निंग। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे आपका, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसके वर्तमान समय के जो आपके मंत्री हैं वो है आपके पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल जी के द्वारा यहाँ पे उद्योग मंथन को शुरू किया गया, ताकि भारत में क्वालिटी और उत्पादकता को हम लोग बढ़ा सकें। और वहीं अगर दोस्तों बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए और यहाँ पे बन जाएगा कि हमारे भारत के पहले कॉमर्स मिनिस्टर कौन है। भाई अभी तक हम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में सुना, होम मिनिस्टर के बारे में सुना, कॉमर्स मिनिस्टर कौन थे? तो कॉमर्स मिनिस्टर जो हमारे दोस्तों भारत के पहले थे वो थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अगर बात करें इसके अलावा दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहाँ पे एक फेयर, यानी कि आपका एक मेला भी दोस्तों लगाया गया था, जिसका नाम था इंटरनेशनल लेदर फेयर। अब देखो दोस्तों जैसे ही नाम आएगा तो आपको याद आएगा कि ये कानपुर में लगता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लेदर फेयर यानी कि जो चमड़े का यहाँ पे दोस्तों फेस्टिवल था, इसको यहाँ पे दोस्तों आयोजित किया गया था चेन्नई में। कहाँ पे दोस्तों आयोजित किया गया था? चेन्नई, तमिलनाडु में इसको आयोजित किया गया था। अब जरा अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, चह बगोचा पुरस्कार मेला। ध्यान से पढ़िएगा पहले, चह बगोचा पुरस्कार मेला। तो ये जो दोस्तों चाह बगोचा पुरस्कार मेला है, इसे अभी हाल ही में किस आपके शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था? तो दोस्तों चाह बगोचा पुरस्कार मेला, अगर इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपके सीएम है वो हो जाएंगे आपके सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल जो है आपके दोस्तों यहाँ के सीएम, यानी कि आपके मुख्यमंत्री हैं। और अगर इसके अलावा बात करें तो दोस्तों यहाँ के जो राज्यपाल हैं, यानी कि जो आपके गवर्नर हैं दोस्तों, वो हो जाएंगे आपके जगदीश मुखी। तो जरा फटाफट बताइएगा कि ये जो दो नाम है,
ये आपके किस राज्य से मैच करते हैं? अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये वो राज्य है जहां पे आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को दोस्तों हम लोग चिकन कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है आपका भारत से जुड़ता है। तो ये अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा असम। असम सरकार के द्वारा यहाँ पे आपका चाह बगोचा पुरस्कार मेला को शुरू किया गया। और अगर बात करें दोस्तों असम सरकार के बारे में, तो यहाँ पे एक योजना और है जो आपकी न्यूज में रही थी दोस्तों, वो है आपकी पर्यटन संजीवनी योजना। और अगर बात करें दोस्तों ये पर्यटन संजीवनी योजना, इसके माध्यम से कोरोना काल में जो भी आपके यहाँ पर अभी तक टूरिज्म बंद पड़ा था, उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए दोस्तों आपका राज्य सरकार के द्वारा 20 लाख तक का लोन दिया जाएगा असम सरकार के माध्यम से। अब जरा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया जिसके द्वारा ई कैबिनेट की यहाँ पे व्यवस्था को शुरू किया गया? ई कैबिनेट का मतलब दोस्तों ये हुआ कि अब यहाँ पे पूरा काम पेपरलेस होगा, और साथ ही साथ में यहाँ पे अब आपको वास्तविक रूप में प्रेजेंट ना होकर के आप यहाँ पे हर एक मीटिंग को वर्चुअली करेंगे। तो ये जो दोस्तों ई कैबिनेट है, इसे किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है? चार ऑप्शन है, केरल, हिमाचल, कर्नाटका होगा या फिर पंजाब होगा। अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि यहां पर अगर हम लोग बात करें राइट ऑप्शन की, तो आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश। और अगर बात करें दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो दो चीजें याद रखिएगा। एक है यहाँ के सीएम, जो कि यहाँ के जयराम ठाकुर, ये बीजेपी के दोस्तों नेता थे। और इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ के राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल वर्तमान समय में आपके यहाँ पे हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के बंदारू दत्तात्रेय। तो बंदारू दत्तात्रेय आपके यहाँ पर हो जाएंगे राज्यपाल। और इसके अलावा सीएम की बात करें दोस्तों, तो वो हो जाएंगे जयराम ठाकुर। और एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, ये आपका जो हिमाचल प्रदेश है, ये दो चीजों के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। नंबर एक है यहाँ पे हींग। जी हाँ, ये जो हींग आप देखते हैं, ये आपके हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। और इसके अलावा दोस्तों सैफ्रॉन, यानी कि जो केसर होता है दोस्तों, इसके लिए भी आपका हिमाचल प्रदेश जो है आपका जाना जाता है। और ये अगर आप बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो वहां के सेब तो आपके मशहूर है ही। ठीक है दोस्तों, अब जरा आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि किस देश के द्वारा अभी हाल ही में दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा? तो बात करें दोस्तों पहले एनर्जी आइलैंड के बारे में, जो कि पूरी तरह रिन्यूएबल होगा, पूरे तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपके जितनी भी आपकी जो नवकरणीय आपकी ऊर्जाएं होती है, उसके द्वारा इसको बनाया जाएगा। तो दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड दोस्तों इनमें से किस राज्य में होगा? तो आप मुझे तुरंत बताइएगा यहाँ पे सर, राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए डेनमार्क। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो डेनमार्क की जो आपकी यहाँ पे कैपिटल हो जाएगी, तो कैपिटल का यहाँ पे जवाब होगा आपके लिए कोपनहेगन। तो ये है दोस्तों आपकी कोपनहेगन, जो कि डेनमार्क की आपकी कैपिटल यानी कि राजधानी है। और इसके अलावा दोस्तों डेनमार्क से जुड़ी हो एक और हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, वो है करेंसी के रूप में। तो अगर बात करें दोस्तों हम लोग डेनमार्क की करेंसी यानी मुद्रा यानी कि पैसा, तो यहाँ पे दोस्तों जो मुद्रा चलती है वो है आपकी क्रोन। तो क्रोन मुद्रा है आपकी, जो कि आपकी डेनमार्क से संबंधित है। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ के पीएम के बारे में, तो यहाँ के जो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है मेटे। तो मेटे आप जो है फ्रेडरिक किंसे, मेटे फ्रेडरिक किंसे जो है आपके दोस्तों, ये वहां के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ के लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे आज का अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि ये जो आपकी डिजीज होती है, अगर हम केवल यहाँ पे पुरुषों की डिजीज के बारे में बात करें, तो जो पुरुषों की बीमारी है दोस्तों, उसके अध्ययन के लिए यहां पर कौन सी साइंस की ब्रांच होती है? ये आपसे सवाल पूछा गया कि पुरुषों की जो बीमारियां होती हैं उससे जुड़ा हुआ माफ कीजिएगा, उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कौन सी ऐसी साइंस होती है? चार ऑप्शन है, ओडोंटोलॉजी, जिरोंटोलॉजी, एंड्रोलॉजी या फिर गाइनोलॉजी। तो अगर दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पे राइट ऑप्शन की, तो पुरुषों की जो बीमारियां होती हैं, स्पेसिफिकली जो केवल पुरुषों को होती हैं दोस्तों, इससे जुड़े हुए आप यहाँ पे साइंस के अध्ययन को हम लोग एंड्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंड्रोलॉजी। उम्मीद करता हूँ सबका यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है जी। और अगर बात करें दोस्तों ओडोंटोलॉजी की, तो जितनी भी हमारी दांत की समस्याएं होती हैं, चाहे वो जिंजिवाइटिस हो या फिर आपका मसूड़ों का सड़ना हो, तो ये दोस्तों इसको हम लोग अध्ययन करते हैं ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। वहीं जिरोंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों बूढ़े लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और उनको कैसे सुलझाया जाए, इसका अध्ययन हम लोग जिरोंटोलॉजी के माध्यम से करते हैं। और वहीं अगर बात करें दोस्तों तो गाइनोलॉजी, तो गाइनोलॉजी के माध्यम से दोस्तों जो आपकी महिलाओं की जो बीमारियां होती, मतलब महिलाओं में जो आपकी स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब समय है दोस्तों आपके लिए एक रिवीजन एमसीक्यू करने का, छोटा सा प्यारा सा रिवीजन एमसीक्यू है दोस्तों। जरा पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए सवाल क्या कह रहा है, इजी भी होगा अब आपके लिए, कि पहला जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट इसको आपका किस राज्य में शुरू किया गया है? पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया जियो थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ पे धरती की जो ऊर्जा है उसको कैसे उपयोग किया जाए, इसके लिए पहला आपका यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? जम्मू होगा,
नागालैंड होगा, लद्दाख होगा या फिर मणिपुर होगा। तो आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा है आपका ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है, लेकिन वो सही होना भी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ यहाँ पे आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है। इस सेशन को जोरदार तरीके से लाइक जरूर कीजिएगा ताकि जितने भी जरूरतमंद मेरे भाई बंधु हैं उन तक ये सेशन पहुंच सके, और साथ ही साथ दोस्तों इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कराइएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि राइट टाइम पे आपको पता चल पाए कि आपकी क्लासेस कब हो रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मुझे अलविदा लेने का समय आ चुका है। यहाँ पे आप इसी तरह जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।